नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंसल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर माफियाओं के विरुद्ध जारी अभियान के तहत शनिवार को इंदौर में रिमझिम बारिश के बीच बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया गया। ड्रग्स, नशे और देह व्यापार से जुड़े सागर जैन उर्फ सेंडो का गुलाब बाग में स्थित अवैध निर्माण बुलडोजर और पोकलेन की मदद से ध्वस्त किया गया। ड्रग माफियाओं के खिलाफ आज से नगर निगम द्वारा अभियान शुरू किया गया है, जिसके चलते आज नगर निगम के अमले ने बांग्लादेश से अवैध तरीके से युवतियों को देह व्यापार के लिए देश में लाने वाले ड्रग माफिया सागर जैन के अवैध निर्माण को ढहा दिया। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र के गुलाब बाग स्थित ड्रग माफिया सागर जैन के घर पहुंची नगर निगम के अमले ने जेसीबी और बुलडोजर के जरिए सागर जैन के अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया। नगर निगम की उपायुक्त लता अग्रवाल के अनुसार आज नगर निगम द्वारा गुलाब बाग स्थित ड्रग माफिया सागर जैन और पंचवटी स्थित गुंडे रमेश जाट के अवैध निर्माण को ढहाया गया है। गौरतलब है कि सागर जैन की गिरफ्तारी के बाद ही इंदौर में ड्रग्स रैकेट का खुलासा हुआ है और पुलिस लगातार इसमें कई बड़े आरोपियों को पकड़ चुकी है और अब प्रशासन द्वारा ड्रग माफियाओं की आर्थिक रूप से कमर तोड़ने की मुहिम के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर यात्रा के दौरान ड्रग माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए अधिकारियों को फ्री हैंड दिया था। सीएम की मंशा के मुताबिक आज से इंदौर नगर निगम ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर रही है। इंदौर नगर निगम द्वारा लगातार भू माफियाओं और ड्रग माफियाओं पर कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में आज गुलाब बाग स्थित सागर जैन ड्रग माफिया के अवैध हिस्से को हटाया गया। नगर निगम उपायुक्त लता अग्रवाल ने बताया कि 15x50 साइज के मकान में अवैध हिस्से को हटाया, साथ ही एक अन्य पंचवटी स्थित गुंडे रमेश जाट के मकान के अवैध हिस्से को ध्वस्त किया गया है। नगर निगम की कार्रवाई की गई है एक गुलाब बाग ड्रग माफिया सागर जैन में और दूसरी पंचवटी के गुंडे रमेश जाट के यहाँ। इस पूरी कार्रवाई में पोकलेन मशीन और जेसीबी मशीन की मदद से अवैध निर्माण को हटाया गया। कार्रवाई है, किसके यहाँ पर कार्रवाई है, कितनी जगह कार्रवाई है? आज नगर निगम द्वारा दो जगह पे कार्रवाई की जा रही है। ये वाली पहली कार्रवाई हम लोगों ने गुलाब बाग में सागर जैन है, ड्रग माफिया है, और जो जिसने नगर निगम के स्वीकृत नक्शे के विपरीत बनाया हुआ था, 1550 का मकान है उनका, तो वो मकान हमने जो अवैध निर्माण था उसने मकान का उतना हिस्सा हमने हटाया है। इसके अलावा एक और कार्रवाई है, अभी पंचवटी में है, रमेश जाट है उनके खिलाफ, उसके खिलाफ। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।